साउथ जोन पुलिस एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके ये पूरा पुराना शहर में कोई भी इनोसेंट गर्ल्स एक्सप्लॉयटेशन ना होने के लिए पहले एक माइनर गर्ल रुक्सा इधर शादी एक उमानी शेख से शादी करने के बाद उधर जाने के बाद उसको बहुत तकलीफ हुआ। उनको वापस लेके आने के लिए हम डिप्लोमेटिक चैनल से जब काम कर रहे हैं उसी टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि और भी शेख्स ओमन और कतर से आके इधर ओल्ड सिटी एरिया में रह के ये इनोसेंट गर्ल्स को माइनर गर्ल्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए जब वो प्लान कर रहे थे साउथ जोन पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ डीसीपी साउथ दे हैव रेडेड दीज प्लेसेस एंड अरेस्टेड इन ऑल 20 पीपल दे अनअर्थ्ड अ नेटवर्क ऑफ 20 पीपल उसमें 5 वुमन ही शेख्स हैं 3 कतार से हैं शेख्स उसमें 3 काजीज हैं ये चीफ काजी मुंबई और इसके अलावा 4 लार्ज ओनर्स हैं और 5 ब्रोकर्स हैं लोकल ब्रोकर्स ऐसे ये पूरा 20 आदमी का ये गिरफ्तार किया है। इसमें हम देखें तो एक बड़ा नेटवर्क है। जब भी ये गल्फ कंट्री से कोई शेख ऐसे गर्ल्स को चीट करने के लिए आ रहे हैं वो जब एयरपोर्ट में लैंड होते हैं उसको रिसीव करने के लिए कुछ ब्रोकर्स रहते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के लिए ब्रोकर्स हैं और एकोमोडेशन अरेंज करने के लिए ब्रोकर्स हैं उसको गेस्ट हाउसेस में लॉडजेस में रख के लोकल एरिया में जो पुअर फैमिलीज हैं उनसे बातचीत करके उनको एक शानदार फ्यूचर रहते बोल के उनको वो माइनर गर्ल्स को पेरेंट्स के कन्विंस करने के बाद ये शेख्स के पास लेके जाके उसको इंटरव्यू करा रहे हैं। जब ये इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था उस टाइम में ये रेड किया है हम 12 माइनर गर्ल्स को रेस्क्यू किया है और ये पूरा नेटवर्क में ये ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा मनी कमा रहे हैं पेरेंट्स को ऐसे फ्यूचर अच्छा फ्यूचर दिखा के उसको मेस्मराइज करके उनको चीटिंग कर रहे हैं और ये ओल्ड एज शेख्स और माइनर गर्ल्स से मैरिज करवाने में ये ब्रोकर्स और काजीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी हैदराबाद सिटी में ये वाइफ की स्टेटस पे वीसा लेना है तो मैरिज सर्टिफिकेट ये वर्क बोर्ड से लेना पड़ता। ये पर्टिकुलर केस में ये रुक्सा माइनर गर्ल के बारे में जब उनका सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट इधर ना मिलने के से वो मुंबई चीफ काजी फरीद अहमद खान एक डॉक्यूमेंट मैरिज उधर मुंबई में सेलिब्रेशन किया ऐसे इवेंट बना के एक फेक डॉक्यूमेंट करके उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक फेक स्टैंपिंग भी करा के वो वीसा पेपर्स के लिए अप्लाई किया है। इधर हैदराबाद सिटी में भी जो ब्रोकर्स हैं ये ब्रोकर्स में कुछ लोग ये आधार सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो माइनर दिखाई दे रहे हैं। माइनर को मेजर बनने के लिए आधार को अप्लाई करके उनका डेट ऑफ बर्थ बदलाए उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करके एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक बर्थ सर्टिफिकेट लिया है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ये पासपोर्ट को अप्लाई किया है ऐसे ये पूरा
फेक डॉक्यूमेंटेशन से ये ब्रोकर्स नेटवर्किंग के साथ काजीज के साथ और ये लोकल ब्रोकर्स और ये गल्फ कंट्रीज़ का ब्रोकर्स ये एक से दूसरा ये कम्युनिकेशन में रह के कॉन्टैक्ट में रह के ये काम कर रहे हैं। ये साउथ जोन पुलिस जो काम किया है आज, इससे हम 12 गर्ल्स को रेस्क्यू किया है। इसमें इसके साथ ही साथ हम 35 ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई किया है। वो ब्रोकर्स पे सस्पेक्ट शीट्स ओपन करेंगे, उनका हाउसेस को जियो टैगिंग करेंगे और पूरा लार्जेस्ट होटल्स जहाँ भी ये शेख्स आके रह के ये मैरिजेस करना, ये इंटरव्यूज़ करना माइनर गर्ल्स से और उसके बाद सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना जहाँ भी हो रहा है, ऐसे होटल्स को भी हम ये लिस्ट में लेके आए हैं। ये मिडिल मैन जो भी हैं ब्रोकर्स और जो काजीज हैं, ये रिपीटेडली जो भी ये वायलेशन कर रहे हैं उस पर हम पीडी एक्ट भी लगाएंगे। हम ये देखें तो ये पूरा एफर्ट में जो जब ये शेख्स हैदराबाद आते हैं उसमें ये ब्रोकर्स उससे बात करके जब ये गर्ल्स को लेके आते हैं, एक अच्छा ब्यूटीफुल गर्ल रहे तो ये उसका दाम ये ब्रोकर्स बढ़ा के पूरा पैसा वो लोग कमा रहे हैं और पेरेंट्स को कुछ भी पैसा नहीं देते, लेकिन उसको फ्यूचर बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, ऐसे प्रॉमिस करके ये गर्ल्स को मैरिज करने के बाद उनको इधर छोड़ के फिर वापस चले जाते हैं। उधर जाने के बाद वीसा पेपर्स भेजते हैं। ये पूरा एफर्ट में जो ब्रोकर्स का रोल है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये पूरा नेटवर्क को ब्रेक करना चाहते हैं। ये फर्स्ट फेज़ में 35 ब्रोकर्स आइडेंटिफाई किया है, उसमें 20 आर वुमन ब्रोकर्स। सिमिलरली 15 ब्रोकर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम ओमन और कतार, ये दोनों कंट्रीज से। ये सम ऑफ दीज ब्रोकर्स हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, दे अर्लियर मैरिड अ वुमन फ्रॉम हैदराबाद, देन दे आर ट्राइंग टू टेक सम मोर वुमन फ्रॉम हियर बाय मैरिंग देम टू द ओल्ड एज्ड शेख्स। I would like to congratulate the DCP South and all his offices and staff for doing a wonderful job in this regard. But in any case, future mein ye hamare innocent girls exploitation na hone ke liye South Zone Police, Minority Welfare Department, Waqf Board, local community elders, religious heads, public representatives, sabhi se कोऑर्डिनेट करके हम ये पब्लिक में एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेके जाएंगे और जो भी प्रोसेसेस को टाइट करना, एम्बेसीज को हम टेकअप करना, ऐसे क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से फाइनलाइज करके हम ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे।